सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। गाइस कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, बड़े होंगे। आज की वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आपने टोटो गेमिंग का फायर सॉन्ग सुना या नहीं, आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर से बताना। लेकिन बात टोटो गेमिंग के सॉन्ग को अलग रखते हैं, टोटो गेमिंग की ई-स्पोर्ट टीम को पहली प्रायोरिटी देते हैं हम। काफी दिन हो गए ई-स्पोर्ट टॉपिक को कवर नहीं किया गया, तो आज हम करने वाले ई-स्पोर्ट टॉपिक को कवर। एंड काफी धमाकेदार ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि डेड सोल ने काफी दिन पहले 4G आईडी पे एक इल्जाम लगाया था कि वो किसी और से अपनी आईडी खिलवाता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन आज वो बात सच हो चुकी है। एंड टोटो गेमिंग की लाइव स्ट्रीम में एक छोटी सी क्लिप आई है मेरे पास, जो कि आपको दिखाने वाला हूं मैं अभी स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज मिलते हैं एक नए लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। सभी लोग टोटल गेमिंग 4G पे ओपी लगा दो, डिलीट ओपी लगा दो, माफिया बाला ओपी जरूर लगाना, बाकी मिलेंगे कल। चलो क्या बोलते हैं भाई, आएंगे जोरदार। बाला भाई अभी देखना, जो है बाला भाई जैसे शादी से फिर हो जाएंगे 7 तारीख के बाद FFIC, फिर देखना। फिर मैं मजाक छटके पता कौन से लाइन पिलाने वाला हूँ, जो भाई कुछ दिन में देखूंगा बाला और ये लोग, मतलब मेरे अलावा बाला खेलेगा कुछ दिनों के लिए, और मैं पूरा फोन में बैठ के इनको भी चूतिया बना दूंगा मैं। लाइव बंद हो गया ना। इस क्लिप में फौजी जी ने साफ साफ बताया है कि क्या लाइव स्ट्रीम बंद होगी या नहीं। उसने कहा कि नेक्स्ट मैच से मैं काफी तगड़ी फोन से प्रैक्टिस करके खेलूंगा, लेकिन पहले और से अपनी आईडी खिलवाता है। इसका इंप्रेशन आने वाले ई स्पोर्ट्स प्लेयर पे कैसा होगा और पूरी ई स्पोर्ट की जो टीम्स हैं सारी उस पे कैसा होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। इस पे कौन रिएक्शन देता है या कोई नहीं देता है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये वीडियो इसलिए वायरल नहीं हुई क्योंकि लोगों ने टोटल गेमिंग को ज़्यादा सपोर्ट दिया, उसकी बातों पे ध्यान दिया, बल्कि उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया जो कि सही में चल रहा था उस वक्त फौजी अजय के साथ। अगर टोटल गेमिंग उस समय टूर्नामेंट को इंजॉय कर रहा था तो सारे लोग भी उसी को देख रहे थे, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुन रहे थे। लेकिन इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे बंदे को चुल मचने वाली है, क्योंकि वो सोचेंगे कि वो कमेंट सेक्शन में आके ये बताएंगे नहीं नहीं भाई, वो तो कुछ अलग टॉपिक पे मैं और फौजी अजय बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको सामने क्लियर हो जाता है कि फौजी अजय किसी और से आईडी खिलाता है। लेकिन डेड सोल की बात हम इसलिए नहीं मानते थे, तब उसके साथ खुद स्कैम हो रहे थे और वो खुद स्कैम कर रहा था लोगों के साथ, इसलिए कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन हीरे की कीमत जोरी को ही पता होती है। ये किसी के हेट के दौरान वीडियो नहीं है, लेकिन आने वाले ई स्पोर्ट के करियर के दौरान वीडियो है। काफी सारे बंदे होंगे जो कि फेयर गेम प्ले खेल के चलते होंगे और फेयर बातें करते होंगे, लेकिन आज इन बातों को सुन के फ्री फायर के जो कि ई स्पोर्ट प्लेयर है उनका ध्यान, उनका विश्वास कई टीमों से उठने वाला है, क्योंकि सबकी एक अलग कहानी होती है। सबका कोई भी सामने एकदम से प्रूफ नहीं कर देता कि मैं क्या हूँ और मुझे किसने बनाया है, मेरे पीछे हाथ किसका है और क्या बातें हैं ये कोई नहीं बताता, लेकिन सब अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि मैं ही प्रो प्लेयर हूँ। मैंने कुछ ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो कि बी बैज वाले हैं और पैसे मांग रहे हैं किसी और लोगों से कि मेरे को पैसे दो और मैं तुम्हें थोड़ी देर में पैसे वापस कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि बी बैज वाले भी बीक मांग सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते वो। अगर देखा जाए मेरी ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस पे हेट काफी ज्यादा मिलने वाला है, और हेट मिलेगा तो मजा आएगा क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ेगी ना टोटल गेमिंग की पब्लिक को लेकर, कि टोटल गेमिंग ने क्या किया है, कितने फैन है उसके, और उनके फैनों को भी काफी चुल मचने वाली है इस वीडियो के बाद। मैंने प्रूफ दे दिया है और बताओ और क्या करोगे। देखो उसने चीटिंग की अलग बात थी, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है और एक फेयर तरीके से गेम प्ले को एंजॉय करना है, एंड गेम प्ले करना है अपना ई स्पोर्ट के दौरान। टूर्नामेंट खेलो अच्छे से, फ्री फायर का एक ई स्पोर्ट बनो, ई स्पोर्ट टाइटल लो और जो ही फ्री फायर खेलते रहो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।